कोरोना वॉरियर्स के साथ हमारा देश इस लड़ाई में जरा भी पीछे नहीं है। लेकिन इन सब के बीच हर देशवासी अब इस संकल्प से भी भरा हुआ है कि इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। इससे हमें देश का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बना रहा है। ये टर्निंग पॉइंट क्या है? आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशलि मोइत्रा। पीएम मोदी की बात देशवासियों ने कितनी सुनी ये तो नहीं पता, लेकिन इस मासूम को अक्षरशः सब याद है। तभी तो स्ट्रेचर को धक्का दे रहा है। यही तो आत्मनिर्भर भारत है, इसी की तो कल्पना मोदी जी ने की थी। ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत है। यहाँ कोई पेशेंट से पैसा मांगे तो बेटी नाती खुद नाना के स्ट्रेचर को खींचकर डॉक्टर के पास ड्रेसिंग के लिए ले जाते। एक भगवान वामन थे जिन्होंने तीन पग में तीनों लोगों को नाप दिया था। एक ये मासूम है जिनके पगों ने यूपी के स्वास्थ्य व्यवस्था के भ्रष्टाचारी लोगों को नाप दिया। दिल पर तस्वीर देखकर बोझ महसूस करते होंगे योगी जी। कोई नहीं, बोझ का क्या है? आज ये है, कल कुछ और होगा। लेकिन इन मासूम कदमों से अगर अंतरात्मा की चेतना ना जागी हो तो फिर कह दीजिए कि संवेदनाएं मर गई। इस मासूम को पता भी नहीं होगा कि भ्रष्टाचार किस तितैया का नाम, जो काट ले तो हाथ पांव फूल जाते हैं। लेकिन इस भ्रष्टाचार ने इसे आत्मनिर्भर तो बना ही दिया। इस कोरोना काल में मोदी जी सबको सिखाते रह गए, लेकिन ये बच्चा बड़े बड़ों को सीख दे गया। सोशल मीडिया पर यह वायरल वीडियो देवरिया का है, यूपी के देवरिया का। इस वीडियो में 6 साल का एक मासूम स्ट्रेचर को धक्का देकर मरीज को ले जाते हुए नजर आ रहा है। स्ट्रेचर पर मासूम के नाना लेटे हुए शख्स का नाम छेदी यादव है, जो मारपीट में घायल हो गए थे। उन्हें देवरिया जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती कराया गया था। यहाँ उन्हें ड्रेसिंग के लिए बीच बीच में ड्रेसिंग रूम में ले जाना होता है। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत वाले बयान को डॉक्टर से लेकर अस्पताल के कर्मचारियों ने दिल से ले लिया। तभी तो स्ट्रेचर लेकर लाने ले जाने वाले कर्मचारी ने भी आत्मनिर्भर बनने की चेष्टा में 30 रुपए मांगे। अस्पताल के कर्मचारी हर बार स्ट्रेचर के लिए 30 रुपए की मांग करते थे। परिवार की स्थिति बार बार इतने रुपए देने की नहीं थी, सो उन्होंने मना कर दिया। इस पर अस्पताल कर्मियों ने छेदी यादव को ड्रेसिंग के लिए ले जाने से मना कर दिया। कर्मचारियों की आत्मनिर्भरता को ठेस पहुंची और रोगी के परिवार से कह दिया कि यदि 30 रुपए नहीं देने हैं तो मरीज को खुद ही ड्रेसिंग रूम ले जाना होगा। तब बिंदु देवी अपने 6 साल के बच्चे शिवम यादव की मदद से पिता को ड्रेसिंग रूम तक ले गई। इसी दौरान किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। छह साल के मासूम का स्ट्रेचर चलाते वीडियो वायरल होने से जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया है। हालांकि अभी तक किसी तरह की कार्रवाई की खबर नहीं, लेकिन अच्छा ही है, सब आत्मनिर्भर। डॉक्टर से लेकर कर्मचारी तक, मरीज से लेकर मरीज के परिवार वाले तक। लेकिन योगी जी सवाल तो पूछिए अपने स्वास्थ्य मंत्रालय से। आज ये मासूम स्ट्रेचर लेकर जा रहा है, कल को क्या इसे इलाज भी खुद ही करना होगा?